नमस्कार, मैं विकास, और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। कई स्टूडेंट्स आईटीआई वाले मेरे पास कमेंट कर रहे हैं और कॉल करके डायरेक्टली पूछ भी रहे हैं कि मेरा आईटीआई कॉलेज शो नहीं कर रहा है। और बहुत लोग ये भी बता रहे हैं कि हमने अपना कॉलेज आईटीआई कॉलेज में बात किया अपने प्रिंसिपल से, टीचर से, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी पूरे झारखंड में आईटीआई वाले को फॉर्म नहीं, आईटीआई वाला लोगों को फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। ठीक है, यानी कि पूरा आईटीआई का लिस्ट अभी कॉलेज का लिस्ट आपको ई के पोर्टल पे शो नहीं करेगा। ठीक है, आईटीआई का अभी फॉर्म नहीं फिलअप किया जा रहा है, बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं। तो कितना सही है, क्या कुछ है आईटीआई स्कॉलरशिप से रिलेटेड, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। पूरा डाउट आपका क्लियर होने जा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले करेंगे छोटा सा रिक्वेस्ट, कब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे को दबाइए, ताकि ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटिव हर तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आईटीआई स्कॉलरशिप से रिलेटिव क्या कुछ अपडेट्स है। तो मेरे पास ज़्यादातर कॉल और कमेंट्स करके जो लोग पूछे हैं वो गढ़वा और पलामू से हैं। ठीक है, गढ़वा और पलामू में फिलहाल आईटीआई का कॉलेज, जो भी लोग मेरे पास पूछे हैं, जो भी ब्लॉक से, ठीक है, उन लोग अभी आईटीआई कॉलेज यहाँ पे आपको अब फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है, जिस कारण से यहाँ पे आईटीआई कॉलेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है आपका। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने आपको बहुत सारे वीडियो में जानकारी दिया है कि 2023 में नया कॉलेज और स्टूडेंट दोनों को रजिस्ट्रेशन करना है ई कल्याण के पोर्टल पे। ठीक है, नया से अकाउंट बनाना है, जिस कारण से सब कॉलेज बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं था, जिस कारण से लेट से किए हैं अप्लाई ई कल्याण के पोर्टल पर अपना कॉलेज के लिए, उनको अप्रूवल फाइनल अभी नहीं मिला होगा, जिस कारण से यहाँ पे कॉलेज अपडेट्स नहीं किया गया है। क्योंकि अप्रूवल नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कॉलेज ही लिस्ट नहीं शो करेगा, तो थोड़ा 2-4 दिन में आप वेट कर लीजिए, आपको जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा आपका ना कॉलेज को। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे झारखंड में स्कॉलरशिप का बंद रखा गया है, फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं जो गोडा जिला के है, यहाँ पे आईटीआई कॉलेज हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आईटीआई कॉलेज यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, 2 नंबर पे आप देखेंगे गोड्डा जिला का नवभारत पीवीटी आईटीआई, यानी कि प्राइवेट आईटीआई, जिसका प्रिंसिपल गीता प्रसाद सिंह है। ठीक है, यानी कि आईटीआई कॉलेज का फॉर्म भरा जा रहा है, नया से रजिस्ट्रेशन करना है, जिस कारण से बहुत सारे कॉलेज अभी शो नहीं कर रहे हैं। तो आपके आपके सिटी में, आपके ब्लॉक में, तो थोड़ा आपको वेट कर लेना है, लेकिन आपका कॉलेज अपडेट्स किया जाएगा और आप फॉर्म को भर लीजिएगा। तो आप थोड़ा बेचैन मत हुए, थोड़ा वेट कर लीजिए, अपना लिस्ट 2-4 दिन में आप चेक करते रहिए, जैसे ही आपका कॉलेज को फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा आपका यहाँ पे कॉलेज अपडेट कर दिया जाएगा, और आप कॉलेज को अपना सिलेक्ट करके आप स्कॉलरशिप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी, आप जो भी गलत जानकारी है आपको मिला हुआ है कि आईटीआई वाले को फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है इकलान के पोर्टल पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि नवभारत आईटीआई, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे आईटीआई के बहुत सारे कॉलेज जो हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं, फाइनल अप्रूवल मिल चुका है और यहाँ पे आपको अपडेट्स कर दिया गया है। तो आपके आपका आपका ब्लॉक, आपका सिटी में जो भी अभी कॉलेज आईटीआई का नहीं शो कर रहा है, कोई भी कॉलेज नहीं शो कर रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको यहाँ पे आपका कॉलेज दिख जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।